माता की। कर्नाटका तांडेल मारकोर बंजारा बाई पिया नायक डा कारबारी तमनोन हाल जोड़ी रानी जय कलबुर्गी या श्री शरण बसवेश्वर मत्तूर गाणगापुरा गुरु दत्तात्रेय नमन नमस्कार प्रख्यात राष्ट्रकूट साम्राज्यद राजधानी कन्नड़ा नाड़ीना समस्त जनते नन्ना नमस्कार कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भगवत खुबा जी कर्नाटका सरकार के मंत्रीगण सांसदगण और विधायकगण और विशाल संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद देने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है। जनवरी का महीना है और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है। जनवरी के महीने में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देशवासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चित हुए थे। ऐसे पावन महीने में आज कर्नाटका की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आज कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर उनकी रिहाइश का हक मिला, हक्कू पत्र मिला है। ये कर्नाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों गुमन परिवारों के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलबुर्गी बीदर यादगीर रायचूर और विजयपुरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले सभी मेरे बंजारा भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका सरकार ने 3,000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री बोम्मई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत
बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है। मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया, और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। आज आप सभी के लिए कर्नाटका सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का, लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था। समाज के हर भेदभाव, हर ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी वही भावना है जो भगवान बसवेश्वरा ने हमें दी थी। आज कलबुर्गी में हम इसी भावना का विस्तार देख रहे हैं। साथियों, हमारे बंजारा समुदाय घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय ने दशकों तक बहुत असुविधा झेली, अब सबके लिए गौरव और गरिमा के साथ जीने का समय आया है। और मैं देख रहा था जब ऊपर मेरा इन बंजारा परिवारों से मिलना हुआ, एक मां जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही थी, जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी, समाज के लिए जीने मरने की बहुत बड़ी ताकत देने वाले आशीर्वाद वो मां दे रही है। आने वाले वर्षों में इन समुदायों के विकास और कल्याण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान भी किया गया है। बंजारा समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग का भी प्रबंध किया जा रहा है। ऐसे समुदायों के लिए आजीविका के नए साधनों का भी निर्माण किया जा रहा है। झुग्गियों के बजाय इन साथियों को पक्के घर मिले, इसके लिए भी सहायता दी जा रही है।
बंजारा, गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदायों का स्थाई पता, स्थाई रिहाइश न होने के कारण जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी उनका समाधान भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन इसी समाधान की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। 1993 में यानी 3 दशक पहले इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। तांडा में रहने वाले साथियों ने अपने हक के लिए लंबा संघर्ष किया, अनेक कठिनाइयां झेली हैं, एक बहुत लंबा इंतजार आप सबको करना पड़ा है, लेकिन अब उदासीनता का वो पुराना माहौल भाजपा की सरकार ने बदल दिया है। मैं आज मेरी बंजारा माताओं से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। को गांवों के रूप में मान्यता मिल रही है तो इससे गांवों में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। अपने घर, अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अब परिवार निश्चिंत होकर जी पाएंगे और बैंकों से ऋण लेना भी आसान होगा। केंद्र सरकार देश भर के गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण घरों के प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है। कर्नाटका में तो अब बंजारा समाज को भी ये सुविधा मिलने लगेगी। अब आप अपने बच्चों को ठीक से स्कूल भेज पाएंगे। डबल इंजन सरकार की हर कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ ले पाएंगे। अब झुग्गियों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। पीएम आवास योजना से पक्के घर, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, नल से जल पानी का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, सब मदद मिलने वाली है। भाई और बहनों, कर्नाटका सरकार के फैसले से बंजारा साथियों के लिए आजीविका के भी नए साधन बनने वाले, वनोपज हो, सूखी लकड़ी, शहद, फल, ऐसी अनेक चीजें, इनसे भी अब कमाई के साधन मिलेंगे। पहले की सरकार जहां कुछ ही वन पैदावारों को उपजों पर एमएसपी देती थी, हमारी सरकार आज 90 से ज्यादा वन उपजों पर
एमएसपी दे रही है। कर्नाटका सरकार के फैसले के बाद अब इसका लाभ भी तांडा में रहने वाले मेरे सभी परिवारों को भी मिलेगा। साथियों, आजादी के अनेक दशकों बाद एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो विकास से वंचित थी, सरकारी मदद के दायरे से बाहर थी, देश में जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया उन्होंने ऐसे साथियों का सिर्फ नारे देकर वोट तो ले लिया लेकिन उनके लिए ठोस फैसले नहीं किए। ऐसे दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, समाज के ऐसे सभी वंचित वर्गों को, उनको पहली बार अब उनका पूरा हक मिल रहा है। सशक्तिकरण के लिए हम एक स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यकते, आकांक्षे, अवकाशा, मत्तु गौरवा, इन पहलुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, ऐसे सब वंचित समाज जो मूल सुविधाओं से वंचित है, झुग्गियों का जीवन बिताने वाले, बिना टॉयलेट, बिना बिजली, बिना गैस, बिना पानी कनेक्शन के जीवन बिताने वाले अधिकांश इन्हीं समाज के लोग होते हैं। हमारी सरकार अब इन्हें ये मूल सुविधा भी दे रही है और तेज गति से दे रही है। महंगे इलाज के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से भी यही वर्ग अधिक वंचित था। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी हमारी ही सरकार ने दी। दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उन सब तक पहले सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता था। आज इन परिवारों को मुफ्त राशन भी सुनिश्चित हुआ है, राशन की सप्लाई पारदर्शी हुई है। जब मूल सुविधाएं पूरी होती हैं तब गौरव बढ़ता है, नई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। रोज रोज के संकटों से बाहर निकलकर लोग अपने परिवार का जीवन ऊपर उठाने में जुट जाते हैं। इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने आर्थिक समावेश, आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते बनाए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, यही सबसे बड़ा वर्ग था जिसने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। जनधन बैंक खातों ने करोड़ों वंचितों को बैंकों से जोड़ा। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके लिए बैंकों से लोन पाना किसी सपने से कम नहीं था। जब कोई अपना काम शुरू करना चाहता था तो बैंक कहते थे कि बैंक गारंटी कहाँ है, लेकिन जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही ना हो तो वो गारंटी कैसे दे पाता। इसलिए हमने मुद्रा योजना के रूप में बिना गारंटी रेड़ी, ठेले, पटरी, इस पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के पहले की सरकारें सूद नहीं लेती थी, आज स्वनिधि योजना से
इन साथियों को भी पहली बार बैंक से सस्ता और सुलभ ऋण मिल पा रहा है। ये सारे कदम वंचितों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे हैं, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़कर अवकाशा यानी नए अवसर बना रहे हैं। वंचित समाज के युवाओं को नया विश्वास दे रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आज नए नए सेक्टर्स में उनके लिए अवसर बना रही है। आदिवासी कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आदिवासियों के योगदान, उनके गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने का काम कर रही है। दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते 8 वर्षों में किए गए हैं। उपेक्षित वर्गों से जुड़े साथी आज पहली बार देश की अनेक संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर है। कि हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। यह हमारी सरकार है जिसने ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया। यह हमारी सरकार है जिसने केंद्र सरकार की ग्रुप सी ग्रुप डी भर्तियों में इंटरव्यू की बाध्यता खत्म की। मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल विषयों की पढ़ाई स्थानीय भारतीय भाषाओं में हो, इसका प्रावधान भी हमारी सरकार ने ही किया। इन कदमों के भी सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गांव और गरीब परिवारों के युवा हैं, एससी एसटी ओबीसी के युवा हैं। भाई और बहनों, ये भी हमारी सरकार ही है जिसने बंजारा समुदाय, गुमंतू अर्ध गुमंतू समुदाय के लिए विशेष विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया। गुलामी का कालखंड हो या फिर आजादी के बाद का लंबा समय, देश भर में फैला बंजारा समुदाय, गुमंतू समुदाय हर प्रकार से उपेक्षित रहा। इतने दशकों तक इन समुदायों की सूद नहीं ली गई। अब जाकर केंद्र सरकार ने वेलफेयर बोर्ड का गठन कर ऐसे सभी परिवारों का सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया है। हमारी सरकार हर कल्याणकारी योजना से इन परिवारों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। साथियों, डबल इंजन सरकार भारत में रहने वाले हर समाज की परंपरा, संस्कृति, खानपान, वेशभूषा को हमारी ताकत मानती है। हम इस ताकत को सहेजने, इसको संरक्षित रखने के बहुत बड़े पक्षधर हैं। सुहाली, लंबानी, लंबाड़ा, लवाड़ा और बाजीगर जो भी नाम ले, आप सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत है, देश की शान है, देश की ताकत है। आपका हजारों वर्षों का एक इतिहास है। इस देश के विकास में आपका एक योगदान है। इस धरोहर को भी हमें मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। हमें सबका साथ लेकर ही सबका विश्वास करना है। और मेरे बंजारा परिवार यहां है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं गुजरात प्रदेश से आता हूं। गुजरात और राजस्थान ये प्रदेश बारिश कम होती है, सूखा रहता है, पानी की किल्लत होती है, लेकिन अनेक गांवों में सैकड़ों साल पहले
पानी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं और आज भी वो गांव के लोग कहते हैं कि लाखा बंजारा ने ही बनवाया था, ये लाखा बंजारा ने बनवाया था। आप किसी भी गांव में जाओ, पानी के प्रबंध की कोई व्यवस्था बनी है तो मेरे गुजरात और राजस्थान में लाखा बंजारा का नाम सबसे पहले आता है। जिस लाखा बंजारा ने सदियों पहले समाज की इतनी बड़ी सेवा की, ये मेरा सौभाग्य है कि उस बंजारा परिवारों की सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपके सुखद और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूं और आपने आकर के हमें आशीर्वाद दिए, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। भावनात्मक क्षण प्रधानमंत्री आशीर्वाद बंद तम समुदाय सहायक इम्लाबाई बंसीलाल बंसीलाल गणपति पत्तू नायक तांडा चिंचोड़ी तालूक कंग्रेचुलेशन जोर चप्पा केस इदादमेले तुकाराम शिवराम पार्वती बाई मुटी लोक मोटीमोक तांडा चिंचोड़ी तालूक इवरेलू सह हकुपत्र वितरण सांकेतिकवागि ऐदु जनरिगे माड्ता इदे तुकाराम शिवराम पार्वती बाई मोटी मोक तांडा चिंचोड़ी तालूक इदादमेले ईश्वर नायक रेवेन्यू नायक मनोहरम ईश्वर नायक डोंगरू नायक तांडा चिंचोड़ी इधन नीड़ोदे दि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कम एक्सक्लूसिवली फॉर अस गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जोरदार तालियां हो जाए ईश्वर नायक रेवेन्यू नायक मनोहर महेश्वर नायक डोंगरू नायक तांडा चिंचोड़ी अंत्यदल्लि नूर राठोड़ चांदी बाय अड़की मोग नगर कमलापुर तालूक ऐतिहासिक क्षण रेवल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट विच हैज गॉन इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इवर ईद जन जो छायाचित्र ना प्रधानमंत्री खुद आह्वानिसिदारे विश्व नायक लेडीज एंड जेंटलमैन गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यार यारिगे एल्लरिगू अक्पत्र बंदिरोरेल्ल कै एत्ति ओंद सरि एल्ल एद्द निंतकोळ्ळि अक्पत्र एल्लरिगू सिक्किदे कै एल्ल सेवालाल की सेवालाल महाराज की सेवालाल महाराज की धन्यवाद।
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯೋಕೆ ಸಾತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ.